तरह से मदद कर सकता हूँ? अच्छा, नहीं वैसे मैंने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, तो अगर आपको कोई दौरे औरे पड़ते हैं तो वो भी मैं ठीक कर सकता हूँ। मुझे इस चीज़ का सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि आप किसी भी राजलते को उठाकर उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो बोलिए, आप पहले मुझे अपनी फाइल दे दीजिए एक बार, ताकि मैं देख सकूँ कि आपके क्या क्या दिक्कत है। अच्छा, आप इससे पहले किसी सेशन में जा चुकी हो, मतलब आपने इससे पहले कहीं इलाज कराया अपना? जी नहीं, अगर आप फर्स्ट टाइम आके मेरे से ये सब इलाज करवा रहे हो तो आपको 10 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप पहले कहीं जाकर अपना इलाज करा चुके हो तो आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे यहाँ। जब क्या करें, ये तो यहाँ के कानून है, अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है, क्योंकि मेरी क्लिनिक में आने के बाद मैं आपके ऊपर उल्टा सीधा केस लगा सकता हूँ कि आप चोरी करने आए थे। और तो आप समझदारी से मैं एक्स्ट्रा 20 रुपये दे दीजिए। जी, चलिए शुरू करने से पहले आप एक बार अपना मुंह खोल लीजिए, जरा मैं एक बार चेक कर लूँ कि आपके जो दांत वगैरह हैं वो पूरे हैं ना, कहीं आप पत्थर वत्थर खाते हो तो आपके दांत वहाँ टूट गए हों। जी बिल्कुल, आ कीजिए। वैसे मैं एक बार आपको आपकी आँख के भी देख लेता हूँ। एक थोड़ा सा क्विक मेडिटेशन है, जो कि हम क्विक मेडिटेशन भी करते हैं एक बार, क्योंकि हम चेक करना चाहते हैं कि अगर जो हमारे पास पेशेंट आया हो बिल्कुल ठीक है ना, उसे कोई दौरे तो नहीं पड़ते ना, मतलब होते हैं ना जैसे कुत्ता उत्ता किसी को काट लेता है तो उसको दौरे पड़ते रहते हैं, तो आपको ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो चलिए एक बार आप अपनी आँखें थोड़ी बड़ी कर लीजिए। नहीं, आप ऐसे ऐसे कर लीजिए, काफ़ी है, हम इसी में अपनी हिसाब से देख लेंगे। जी मुझे वैसे ऐसा लग तो नहीं रहा है कि आपको कोई दिक्कत विक्कत है। अच्छा, तो आप ये वाले गांव से आए हैं? अच्छा, वैसे मैंने सुना है इस वाले गांव में बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, जैसे कि आप इंटेलिजेंट ही लग रहे हो मुझे। अच्छा, आजा, आप 5वीं क्लास तक पढ़े हो बस? कोई नहीं, मतलब इंटेलिजेंट तो दिमाग से होते हैं ना, मतलब पढ़ाई से क्या लेन देन है इस चीज़ का। जी, तो मिस्टर अपरिचित। जी, तो अपरिचित जी, आप मुझे अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स दे दीजिए, जैसे कि मुझे पर्सनल डिटेल्स चाहिए आपकी, जैसे कि आपका फ़ोन नंबर दे दीजिए। जी, ना 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 अच्छा, फोन नंबर तो मिल गया वैसे। आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह, उसका भी नंबर दे दीजिए, मतलब क्या पता अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हम उसे कॉल कर सकते हैं ना, कि आपका बॉयफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड की किट्टी वट्टी निकाल ली हमने तो आप यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड को आकर ले जाएं, तो उसके लिए हमें बस आपकी गर्लफ्रेंड का नंबर चाहिए। जी, दे दीजिए। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का नाम भी बता दीजिए एक बार। मंजोली का जी, नाम तो बहुत प्यारा है। मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि मेरे पास आपकी पूरी डिटेल है, और आपको दौरे पड़ते रहते हैं, क्योंकि जब से आपको कुत्तों ने काटा है तब से आपके दौरे पड़ते ही रहते हैं, और आपके दौरे जो हैं फील करते हो कि आप दीवारों पे अपने नाखून रगड़ते रहते हो, और इससे जो है शायद आपके दिमाग पे बहुत सारा असर हो रहा है। तो मैं आपको पहले कुछ मेडिसिन दे देता हूँ, जैसे कि ये कुछ मेडिसिन, ये वाली कंपनी की मेडिसिन है, अच्छी मेडिसिन आज तक नहीं बनी, मतलब जिनको दौरे वौरे पड़ते हैं ना कुत्ते उत्तों के, तो ये दौरे के लिए बहुत अच्छी दवाई है, और आप इसको दिन में ले लेना। अगर मतलब दौरे ज़्यादा पड़ते हैं तो आप इसको 4 गोलियाँ
आपको दौरे ज़रूर पड़ेंगे। अगर आपको दौरे ज़रा पड़ने लगे हैं तो आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कर लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा इलाज यहाँ नहीं होता। और चलिए मैं आपको कोई एक ये लीजिए, इसे बोलते हैं वाला चश्मा, और वाला चश्मा, और इसको काफ़ी सारे लोगों ने यूज़ किया है, जैसे कि कुमार कपूर और अल्लाह सिद्दीकी ने भी इस चीज़ को यूज़ किया हुआ है। तो आप एक बार ये चश्मा पहन लीजिए।
ऐसे हैं, ये एक नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता, इसके लिए अदृश्य ताकत है, अदृश्य पावर चाहिए जो मैं हमारे पास जैसे लोगों के पास होती है, आप लोगों के जूतिया मतलब आप लोगों के लिए, आप लोग नहीं देख सकते उन चीज़ों को। तो चलिए अब मैंने आपके शरीर से उस आत्मा को निकाल दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ वो दोबारा नहीं आएगी। आपका जो मैंने मेडिसिन जो इलाज करा था उसके 1.5 लाख रुपये और आपका जो ये मैंने आपका जूतिया काट मतलब जो भी मैंने आपका मतलब कराया है सामान कराया तो इस चीज़ के आपके हो गए 4.5 लाख रुपये। हाँ बिल्कुल। तो अच्छा अपरिचित, अच्छा आप अपने घर को गिरवी रखना चाहते हैं, आपके पैसे नहीं हैं, चलिए कोई नहीं वैसे रख दीजिए। अच्छा आप अपना घर हाँ मेरे नाम पे कर दीजिए, नाम लिख लीजिए मेरा, मेरा नाम है लल्ला पंडित और आप अपने घर की जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम पे करा दीजिए। जी जी आप मेरा अपना नाम बोल दीजिए अपरिचित लल्ला। ठीक है जी, मैंने आपका ये रसीद बना दिया है। तो इस रसीद के अंदर मैंने आपका फुल डिटेल लिख दी है, आपके पूरा बिल लिख दिया है 4.5-5 हज़ार रुपये जो 10 हज़ार रुपये आपके हुए हैं। तो आपके जो भी पैसे वैसे हुआ सारे मैंने इसमें बिल में लिखनी है, आप ये बिल ले जाइए पहले। जी जी अगली बार ज़रूर आना, आप अगली बार आपके अंदर मैं भूत को नहीं, मैं अगली बार आपके अंदर से किसी प्रेत आत्मा को निकालूंगा, किसी चुड़ैल को निकालूंगा, सेक्सी चुड़ैल को, तो आप नेक्स्ट टाइम भी मेरे पास ही आइएगा। और ये 350 रुपये वाला जाड़ा लगा दीजिए, निकाल दिया और आपका फ्री में इलाज भी कर दिया है। तो आप जा सकते हैं अपने घर पे और अगली बार भी मेरे पास ही आइएगा। जी जी ज़रूर। और अगर लॉकडाउन में अगर आपका कुछ खाने पीने का मन कर जाता है, वैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो अगर आपका कुछ खाने पीने का मन कर जाता है और हो सकता है कर जाए क्योंकि इतने टाइम तक कोई घर पर रह नहीं सकता, तो आप जाकर पुलिस वालों के डंडे वंडे खा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी फ्री हैं एकदम।